हेलो एंड वेलकम टू ऑल दी थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। देर सही सही, लेकिन भारतीय टीम को फाइनली चीफ सिलेक्टर के रूप में अजीत अगरकर का एक नाम मिल गया है और अब अजीत अगरकर पूरी तरीके से चीफ सिलेक्टर की गद्दी संभालने को तैयार हैं, जिसका आगाज वो आगामी जो वेस्ट इंडीज सीरीज T20 सीरीज होने वाली है वहां पर रोहित एंड कंपनी की सीरीज की घोषणा करने के साथ ही करेंगे। लेकिन अगर हम अजीत अगरकर की बात करें कि आखिर क्यों बने वो चीफ सिलेक्टर, तो इसके पीछे एक नहीं पांच बड़ी वजह सामने आती हैं जो कि अजीत अगरकर को चीफ सिलेक्टर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगरकर का लगभग जब उन्होंने चीफ सिलेक्टर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी तभी उनका पक्का हो गया था। तो वो सारी की सारी चीज़ें बताएंगे कि क्यों आखिर अजीत अगरकर के चीफ सिलेक्टर बनने की वो पांच बड़ी वजह कौन है, आखिर क्यों अजीत अगरकर को बनाया गया है चीफ सिलेक्टर। तो नंबर एक बड़ी वजह जो है वो क्रिकेट जगत में बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि। जी हाँ, अजीत अगरकर ने भारत के लिए 196 वनडे मैचेस जबकि 26 टेस्ट मैचेस खेले हैं, साथ ही जो 2007 का T20 विश्व कप टीम इंडिया जीती थी उस टीम का भी हिस्सा थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक लो प्रोफाइल क्रिकेटर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में आने में विश्वास नहीं रखते, किसी कॉन्ट्रोवर्सी में आज तक फंसे नहीं है, तो ये बात उनके हक में जाती थी कि लगभग वही होंगे चीफ सिलेक्टर। अब बात करते हैं नंबर दो की, सबसे उपयुक्त दावेदार। जी हाँ, सबसे उपयुक्त दावेदार इस कुर्सी को पाने के अजीत अगरकर ही थे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करती है किसी सीरीज में, किसी टूर्नामेंट में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, तो वहाँ पर जो अगर जीत का श्रेय होता है वो कप्तान ले जाते हैं, लेकिन अगर हारती है टीम तो वो गाज गिरती है सीधे आके चीफ सिलेक्टर के ऊपर। और ये हमने लगातार देखा है अभी चेतन शर्मा के ऊपर, उससे पहले सुनील जोशी के ऊपर, ये लगातार आपको इंस्टेंसेस मिलते जाएंगे एक चीफ सिलेक्टर के रूप में। तो यही कारण है कि अजीत अगरकर को वो चुना गया है, क्योंकि अजीत अगरकर उस तरह के फैसले लेने में सक्षम है। और ये बड़ा कारण है कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो चीफ सिलेक्टर बनना नहीं चाहते टीम इंडिया के, चाहे वो गावस्कर की बात कर लें आप या वीरेंद्र सहवाग की बात कर लें। इसके बाद नंबर तीन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वो है बड़े फैसले लेने में कोई झिझक नहीं, बहुत बड़े बड़े फैसले लेते हैं हमारे अजीत अगरकर, और बिना किसी झिझक के इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे या सेलेक्टर थे, तो वहाँ पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव जो कि आज के स्टार प्लेयर हैं उनकी खराब फॉर्म पर उन्हें तक बाहर कर दिया था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि वो कितने बड़े फैसले लेने में माहिर हैं, भले ही कितना बड़ा नाम हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप टीम से बाहर जाओगे, ये भी एक उनके हक में बहुत बड़ा फैसला जाता है। उसके बाद नंबर चार आएगा कि ऑलराउंडर्स की मुसीबत को हल करना। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि अजीत अगरकर खुद भी एक ऑलराउंडर रहे हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने इंडिया के टेस्ट मैचों में सेंचुरी भी लगाई है, गेंदबाजी तो हम जानते हैं कितनी शानदार करते हैं। और अगर हम बात करते हैं आज की मॉडर्न टीम इंडिया की, तो वहां पर एक बड़ा सवाल है कि टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन होगा, तो उनके टीम इंडिया के पास ले देके एक नाम आता है हार्दिक पांड्या के, उसके अलावा आप देखेंगे तो उनके पास उस तरह से कोई नाम नहीं नजर आता है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके सामने भी, अजीत अगरकर के सामने, कि किस तरह से टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स को ग्रूम करते हैं और किस तरह से नए ऑलराउंडर तराशने की कोशिश करते हैं, और वो करने में काफ़ी माहिर होंगे अजीत अगरकर, क्योंकि खुद भी एक ऑलराउंडर है, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। उसके बाद नंबर पाँच पर जब हम आएंगे तो नंबर पाँच है मॉडर्न डे क्रिकेट की समझ और कोचिंग का एक्सपीरियंस। जी हमने देखा है किस प्रकार से अजीत अगरकर ने इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कोचिंग कर रखी है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए खेल भी चुके हैं। 2007 का पहली बार तो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला है, लेकिन उसके बाद जब मॉडर्न टाइम में हम आते हैं तो उन्होंने IPL अच्छे खासे टाइम तक खेल रखा है, करीब आई थिंक 2013 और 14 तक वो दिल्ली की टीम से खेले हुए हैं, जो कि उनके हक में जाता है कि वो एक अच्छे चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों ही चीज़ की समझ है। इससे पहले इसी सीजन हमने देखा कि जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी, DC की टीम थी, वहाँ पर ये कोचिंग की भूमिका में नजर आए थे, और इसके बाद चीफ सिलेक्टर अब बन रहे हैं। अब उन्होंने वो कोचिंग के लिए रिजाइन दे दिया है और उसके बाद अब यहाँ पर चीफ सिलेक्टर बन गए। तो ये बड़े बड़े वो पांच कारण थे जो कि चीफ सिलेक्टर बनने के लिए एक बहुत अच्छा दावेदार मानते हैं अजीत अगरकर को, और इसी का कारण है कि अजीत अगरकर आज इंडिया के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं। और हालांकि उनकी यहाँ पर चुनौती खत्म नहीं होती है, उनके सामने अभी जो दो बड़ी चुनौती है इस साल की वो है एशिया कप और वर्ल्ड कप। यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम का चयन करते हैं, साथ ही वो टीम किस प्रकार का प्रदर्शन करती है अजीत अगरकर की इस सिलेक्शन कमेटी के होते हुए।